अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का स्टार्ट है और एस्ट्रोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स भी हम इसको समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की इंट्रोडक्शन भी आपको दिया गया है। थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से और किस तरीके से इल्म हम तक पहुँचा है। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसलिक के लोगों ने इस पर काम किया है। इल्म कोई भी इल्म हो वो परवरदिगार की तरफ से आता है। कोई भी इल्म वो परवरदगार ने दिया। हम बनीनों इंसान जो है अपने अपने शोबे में रहते हुए उसके जो उलूम हैं उसको सीखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से ये सिलसिला बतदरीज जारी व सारी रहता है। एस्ट्रोलॉजी पे हमारे काफ़ी जितने भी एंसेंट मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है उसके ऊपर। लेकिन हम में से बहुत से लोग अक्सर इस बात को नहीं जानते, नहीं मालूम। शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी तदरीस के अंदर कुछ मजामीन में मुस्लिम साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन 9 क्लास में या दूसरी क्लासेस में 8 क्लास में बताया गया है। लेकिन वो इंट्रो है और उस वक्त पढ़ा है जब आपको कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या पढ़ रहे हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट जो गुजरे हैं हमारे यहाँ उनमें एक बहुत बड़ा नाम वो है इब्ने सीना, वो अली सीना, और यूरोप उनको ए बी सीना के नाम से जानता है। ए बी सीना की इल्मी खिदमात बहुत वसी हैं और बेसिकली वो जो जाने पहचाने जो जाने जाते हैं वो तिब के हवाले से जाने जाते हैं, आयुर्वेदिक के हवाले से जाने जाते हैं। मेडिसन्स के अंदर उन्होंने काफ़ी वर्क किया है और मेटाफिजिक्स पे भी काम किया है और एस्ट्रोलॉजी पे भी उन्होंने काम किया। मैथमेटिक्स मतलब जो साइंटिस्ट होते थे वो एक नहीं कई ज़्यादा मजामीन पे सब्जेक्ट पे काफ़ी उलूम जो है उनके पास मौजूद होते। जब आज हम डॉक्टर हैं तो वो इंजीनियर नहीं हो सकता, वो अगर कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। इन मुस्लिम साइंटिस्ट ने कई कई सब्जेक्ट्स पे स्पेशलाइजेशन जो है किया नहीं बल्कि स्पेशलाइजेशन की डिग्री जो है वो देते थे। मतलब वहाँ से स्पेशलाइज बन के निकलते थे लोग, उनकी सोबत में उनसे पढ़े हुए। क्योंकि मेरा शोबा एस्ट्रोलॉजी का है और इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो मैं चाहूँगा कि इन वो तमाम हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर वर्क किया है उनको आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी बात करें और कुछ मुख्तसर सा तारुफ दें ताकि हमारी आने वाली और जो अभी जो मौजूदा नस्ल है उनको मालूम तो चल सके कि कोई मुस्लिम साइंटिस्ट ने कुछ इस पर वर्क किया है, काम किया है। क्योंकि अब तक जितना भी मटेरियल आपके पास मौजूद है किसी भी सब्जेक्ट में उसमें या तो कोई गोरा इंग्लिश अंग्रेज़ या कोई हिंदू वैदिक, तो मतलब मुख्तलिफ लोग आपको नज़र आएंगे। अब तक काम हो रहा है, आप अपने स्टडी करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, उसमें भी जो बुक्स हैं आपके पास वो कोई या तो अंग्रेज़ होगा, विलियम्स होगा, जॉन होगा, या कोई इंडियन होगा, या कोई फ्रांसीसी होगा, यहूदी होगा, कोई भी वो इंसान हो सकता है जिसकी बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ के अंदर। और हमारे जो अपने उलूम जो थे वो आज नापेद ख़त्म हो गए, मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम तक नहीं है। मैं इस बात को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि उन मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आप लोग जान जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इससे एक और भी बात ये कि बहुत से मिथ्स हैं। आज का मुसलमान, पहले के मुसलमान थे उनको कमांड हासिल थी बहुत से उलूम पे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, ज्योग्राफी पे काम किया, इवन के अर्थ एनर्जी पे भी काम किया है और कहकशां यूनिवर्स, इवन के टिप इंजीनियरिंग एवरी साइड्स ऑफ स्टडी पे उन्होंने वर्क किया है और बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं की बुक से लेते हुए आज दूसरे लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आज मुस्लिम साइंटिस्ट है वो एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर नहीं है, उसने एक दुकान लगाई भी है और कोई पगड़ी पानी भी है, सामने छुरी रखी भी है कि वो उस इल्म की काट के माहिर। हम आज ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट को देख रहे हैं, ये हमारा अलमिया है, क्योंकि उन लोगों को उलूम को हमने ठुकरा दिया। चलते हैं उनके इंट्रोडक्शन पे। कुछ साइंटिस्ट के मैंने रेफरेंस जो हैं वो गूगल से आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है किसी के पास शायद, क्योंकि मेरा शोबा है तो मुझे ही ये काम करना था। सारी डिटेल्स गूगल पे मौजूद है, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे। शेख अल अकबर इब्न अरबी,
अ प्रोमिनेंट इस्लामिक प्रीचर हुज वास स्टडीज कम इन कंपास्ट एस्ट्रोलॉजी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी पे इन्होंने काम किया है शेख अल अकबर इब्ने, आप डिटेल जो लोग जानना चाहते हैं वो गूगल पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे एक और मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो हमें नज़र आते हैं अल बिरूनी, 973 में इनकी विलादत हुई या ये पैदा हुए, और 1048 AD गजनी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है वो रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी पे किया है। फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी ही एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट बाय एक्सपेरिमेंटेशन दैट एवरी थिंग अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ पे सेंटर ऑफ अर्थ वो सारी जो एनर्जीज हैं अर्थ की वो हमारे ज़मीन के सेंटर पे ज़्यादा एनर्जी अर्थ की होती है, वो ये बात इन्होंने डिस्कवर करी थी। और इब्राहिम अल अबीब सुलेमान इबन सुमेरा इबन जनाब अल फजारी ये 777 में डाइड हुए, अरब मुस्लिम मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। ये अरब अरबी हैं, मुस्लिम हैं, मैथमेटिशियंस हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, और ये खलीफा अल मंसूर के दौर की बात है। 754 से 775 तक इनका दौर था। ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे इल्मी खिदमात अदा करी। अल ख्वारज़मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन एट द टाइम ऑफ द गोल्डन ईरा ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स का गोल्डन ईरा था जब ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट आते थे, अपना काम करते थे, और फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट तैयार करते थे, फिर तीसरा साइंटिस्ट तैयार करते थे। एक सीरीज़ 16वीं सदी तक ये चलती गई है। 16वीं सदी के बाद फिर वो एम्पायर्स की गवर्नमेंट आई बादशाहों की, उन्होंने फिर सारी किताबें वहाँ से हमारी ये इल्मी जो जितना भी ख़जाना था सब ख़त्म हो गया। ये बता रहे हैं कि ये इसमें ही इज़ आल्सो द इन्वेंटर ऑफ मैनी मैथमेटिकल मेथड्स इन्होंने बनाए हैं, ब्रांचें बनाई मैथ्स की, अलजबरा भी बनाया। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ डेसीमल्स टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन, डेसीमल फ्रैक्शन सिस्टम जो है वो इन्होंने मैथ्स में डिज़ाइन किया, इन्वेंट किया, डेरिवेट किया। उसके बाद यहाँ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन ईसा महानी, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ का ज़िक्र मैंने यहाँ सोचा कि आपको करूँ, मुनासिब समझता हूँ। ये अबुल अल तैयब सनद इब्न अली अल यहूदी 864 CE वास 9th century, यानी कि 9th century फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे 9th century के। ये इसमें कुछ इमेज नज़र आ रही होगी लेकिन ये क्योंकि बहुत ओल्ड है पिक्चर, सितारों की पोजिशनिंग चीज़ों के बारे में इन्होंने भी काफ़ी डिस्कवर करी है। एक छोटा सा ब्रीफ है अल-ख्वारज़्मी, इनके बारे में आपको मैंने बताया। ये आप देखें, आप विकीपीडिया गूगल्स पे जब सर्च करेंगे एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर लिख के, तो ये एक फहरिस्त नज़र आती है आपको। सॉरी, इब्राहिम अल फजारी 777 770 यहाँ से सन से लेके, ये पूरी फहरिस्त है मुस्लिम साइंटिस्ट की एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोलॉजर। ये वो फहरिस्त है जो गूगल या विकीपीडिया को मिली है और जो उन्होंने ये मेंशन किया है, बाकी जिनका डेटा नहीं ले सकेंगे वो कितने आए होंगे और कितने गए, 1037 तक। तो यहाँ एक सीरीज़ नज़र आ रही है क्योंकि ये रिलेवेंट था एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, तो मैंने ये साइंटिस्ट लिखे हैं। बाकी और साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र जो है वो वहाँ मौजूद है जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से उन्होंने काम किया। तो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर जो थे उनके हवाले से एक मुख्तसर सी लिस्ट ही जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, टिप इंजीनियरिंग, तमाम सब्जेक्ट पे इन मुस्लिम साइंटिस्ट ने बड़ा काम किया। वो आज हमारी बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, उस हिसाब से ना उनकी बुक्स मौजूद हैं। बात ये बताने की है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो हम आसानी से कहते थे कि ये इस्लाम में, कुरान में कहाँ है, दीन में है कि नहीं है, वो थोड़ा सी स्टडी करें, दीन सीखें, कुरान पढ़ें, देखें कहाँ है, कुछ सर्च करें, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ें क्या क्या हो चुका है अब तक इन सब बहुत से सब्जेक्ट्स पे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता, ये अलग बात है,
लेकिन मानना नहीं मानना उसी वक्त हो सकता है जब आप जानेंगे, जब जानने लग जाएंगे तो मानना शुरू कर देंगे। तो मुख्तार तारुफ था, आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके एक लिए एक रेफरेंस पॉइंट था। मेरे एस्ट्रोलॉजी के सिलेबस का पार्ट तो नहीं है ये, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं ज़रूर समझता था कि इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊं। मज़ीद डिटेल भी आपको गूगल करेंगे तो उनकी बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उस हिसाब से आप देखते रहेंगे। अब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।